दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे करके पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले थैंकफुल इंडियन गवर्नमेंट और सबसे ज़्यादा थैंकफुल अक्षय कुमार, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, भारत के वीर इस पहल का हिस्सा बने। तो दोस्तों, पहले इस बारे में जान लेते हैं कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के वीरों के बारे में, भारत के शहीदों के बारे में। मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ बात हो रही है भारत के वीर .gov.in के बारे में। हाँ दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट साइट है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भी नहीं, और इसमें पहले काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, अभी ये प्रॉपरली सही हो चुकी है। तो आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। मैंने भी कहीं से देखा और इस बात को आगे फैलाने के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश। तो भारत के वीर उन शहीदों के नाम हैं जो शहीद हो चुके हैं और उनकी फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम कई बार डोनेट करना तो चाहते हैं पर हमें एक माध्यम नहीं मिल पाता। तो इसके ज़रिए क्या होगा, जितना भी फंड आप डोनेट करेंगे वो सीधा उन शहीदों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अभी मैं आपको आगे के बारे में बता देता हूँ वेबसाइट के बारे में। यहाँ वेबसाइट में एंटर करेंगे, वेबसाइट में एंटर करते ही आपको यहाँ पहले म्यूज़िक सुनाई देगा, वो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड म्यूज़िक, आप इसको स्टॉप कर दीजिए। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ नॉर्मली गाइडलाइन दी हो, ये गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा आप। एक बार में मैक्सिमम 15 लाख तक का अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, ये अमाउंट 10 रुपये से लेकर 15 लाख तक का मैक्सिमम होगा। अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसको आगे बढ़ता हूँ, आप इस गाइडलाइन को पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक नीचे ऊपर लाइन आती दिखेगी, 88 ब्रेव हार्ट्स ऑफ डिफरेंट CAPFs आर लिस्टेड हेयर, प्लीज़ स्क्रॉल डाउन एंड सी टू ऑल ऑफ देम। यहाँ पे जवानों की फ़ोटो दी हुई है, आप देख रहे हैं, जैसे अभी लिस्टिंग होना बाकी है, बट अभी जो लिस्टिंग है आप देख सकते हैं डायरेक्टली। आप किसी भी एक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे सम्मान के साथ, मैं पहले इनको सल्यूट करूँगा जो इन्होंने हमारी रक्षा करके अपनी जान गंवाई और आज इन्हीं की वजह से हम चैन से बैठे हैं। तो क्लिक करके देख लेते हैं, जैसे कि इनके ऊपर मैंने फ़ोटो पे जैसे स्क्रॉल किया तो इनकी पूरी डिटेल आ गई, किसी एक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल जाता है, मेक कंट्रीब्यूशन इन ऑनर ऑफ ब्रेव हार्ट्स, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ होगा उनकी पूरी डिटेल, राइफल मैन भोपाल सिंह, इनकी जो भी सारी डिटेल दी है कि कहाँ से हैं, कौन से फोर्स से हैं और इनका पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था, अब तक कितना कंट्रीब्यूट आ चुका है और यहाँ तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो पूरा अमाउंट दे रखा है इन्होंने, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट एक शहीद के लिए 15 लाख तक का ही अभी इन्होंने तय किया है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा शहीद की लिस्ट में और भी नाम आते जाएंगे, तो इसलिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी इसमें। आप जो इन हिंदी कर लेते हैं तो इनके बाद में पूरा दिया हुआ है कि दिनांक 2 जनवरी 2017 को लगभग 11:30 बजे राइफलमैन भोपाल सिंह, जो घातक प्लाटन के सदस्य थे, ये खुंटक मणिपुर क्षेत्र के खोजी अभियान के हाथ पर स्थापित किया, हाथ पर स्थापित करते समय पार्टी संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई। इस दौरान राइफलमैन भोपाल सिंह की उग्रवादियों से नजदीक गोली लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। सल्यूट है भोपाल जी को, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ से आप जैसे कंट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आप अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अमाउंट 10 से 15 लाख के बीच जो भी आप देना चाहें कर सकते हैं। और जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी की सहायता से आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो पेमेंट पे ले जाएगा आपको डायरेक्टली। ये करने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो भी पेमेंट होगा, पर्सनली आप एक अमाउंट यहाँ भी दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली होम पेज पर आकर के, किसी एक को आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्टली आप एक अमाउंट पे कर दीजिए, वो उनके अकॉर्डिंग वो सब में आपका जो अमाउंट होगा वो बांट दिया जाएगा। तो आप इसमें नाम डालकर पर्सनली स्टेट का जो भी है शहीद है उनको देख सकते हैं, जैसे मैंने देखा था कि राजस्थान से कौन है और फोर्स BSF से कौन है,
मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैंने सर्च कर लिया, तो मेरे सामने दो ऑप्शन आए। दो ऑप्शन में जैसे ये सर लग रहे हैं मेरे को, इनकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। यहाँ हैं हेड कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह जी। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी डिटेल, डिपेंडेंट्स कौन है, एक इनकी वाइफ है, इनके दो लड़के हैं, एक 10 साल का, एक 13 साल का, और एक इनकी डॉटर है 18 साल की। और इनकी पूरी जो है कहानी क्या हुआ था इनके साथ, ये पूरा शो हो रखा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि डिपेंडेंट कौन कौन है। अभी 10 और 13 साल का बच्चा है, क्या करेगा, और अभी तक कंट्रीब्यूट इनको 95,000 मिल चुका है। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश किया, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। अगर योगदान नहीं दे सकते इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो इसमें योगदान देना चाहता हो वो दे सके। आप डायरेक्टली होम पेज पर आ जाइए अगेन, आप इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं अपन। मैं किसी पर्सनली एक पर्सन को नहीं दे रहा, क्योंकि मैं पहले भी इसमें एक ट्राई कर चुका हूँ, और मेरा मकसद किसी एक को नहीं देना है, मेरा मकसद है सभी को दूँ। तो अभी मैं फिर वापस चंद्रपाल जी पे ही क्लिक करता हूँ, और आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ आप अमाउंट गौर कर सकते हैं, 95,863। तो हम कोशिश करते हैं कि इनका ये अमाउंट बढ़ा सकें। तो अभी मैं टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ। मैं कोशिश करूँ कि दिल से जो डोनेट कर सकूँ इनके लिए। आप भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पीछे मत हटिएगा। अभी हम डोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओटीपी जनरेट किया है। जैसा कि ओटीपी हमारे पास आ चुका है, हम फिलअप कर देते हैं इसमें, और हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। प्रोसेड टू पेमेंट, तो अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ट्रांजेक्शन ऑर्डर नंबर, ट्रांजेक्शन अमाउंट, और जो भी है ऑप्शन है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। मैं नेट बैंकिंग चूज़ करता हूँ, और जो भी मेरी बैंक है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। चलो पे नाउ पे क्लिक किया, जैसे आप करेंगे बैंक के फॉर्म खुल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे मैं आपको आगे ले जाता हूँ। जैसे ही हम पेमेंट डन कर लेते हैं तो हमारे पास थैंक यू का एक मैसेज आता है, और इस मैसेज के नीचे हमारे पास ईपीए रेफरेंस नंबर, सक्सेस और ट्रांजैक्शन डेट और ऑर्डर नंबर और अमाउंट आ जाता है। और पेमेंट डन करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आता है मिस्टर अक्षय कुमार जी का, वो एक बार हम सुन लेते हैं। थैंक यू का मैसेज आएगा। अक्षय कुमार, हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने एक भारतीय वीर जवान के परिवार की सेवा की। योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नोबल कॉज इज अप्रिशिएटेड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। गॉड ब्लेस। जय अक्षय कुमार जी का ये मैसेज सुन के दिल भर आता है, तो काफ़ी प्राउड फील होगा आपको भी। आप भी कोशिश कीजिए और इसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के मैं बारे में बता देता हूँ आपको। आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थैंक यू मिस्टर जो भी आपका नाम है, फॉर हॉनरेबल हेड कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह BSF, कंट्रीब्यूट ₹5,000। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इस कंट्रीब्यूशन के बाद मिस्टर चंद्रपाल जी का जो अमाउंट है 95 से बढ़कर क्या हो गया है। हमने देखा था 95 था, तो सल्यूट इन भारतीयों को। और अब आप
कंट्रीब्यूट अमाउंट देख सकते हैं, ये बढ़ गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी एक सोल्जर के नाम नहीं, आप सभी को थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर दीजिए, और आप 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपका थैंकफुल होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और आप बिल्कुल बेझिझक होकर के इस पर आप कॉन्टैक्ट करके कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने भी की थी कि अमाउंट क्या होगा क्या नहीं होगा। और थैंक यू अगन, ये DIG का नंबर है CRPF से, DIG खुद आपसे बात करेंगे विजय कुमार जी, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस बारे में। तो कोशिश करो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, और कोशिश करो कि इसमें कंट्रीब्यूट दे सको आप अभी के लिए।